Assalamu alaikum, dear student. I am Sayyidhar Fatima. We are doing unit number 14 ratios and Proportions, grade 9th. Today we are going to discuss some important points and few corollaries. So let's move towards the light board. Yes, student, in the last lecture we have proved a theorem statement. हमने लास्ट लेक्चर में एक थ्योरम के स्टेटमेंट को प्रूफ किया था वो हमने क्या किया था फिगर वही ड्रॉ की हुई है बस हमने जो इस पर कंस्ट्रक्शन की थी उसको कर दिया है रिमूव और बेसिकली हम जो रिज़ल्ट हमने कंक्लूड किया था उस पर करेंगे बात हमने ये प्रूफ किया था कि हमारे पास इस तरीके से ये लाइन सेगमेंट थी जो पैरल थी इस साइड के तो इससे हमारे पास जैसे ये लाइन पैरल थी तो उसने इन दो साइड्स को ट्राइंगल के किया कट इस साइड को किया पॉइंट ई e पे कट इस साइड को किया पॉइंट डी पे कट जैसे ही टू पॉइंट्स पे उसने किया इंटरसेक्ट दूसरी टू साइड्स को ट्रायंगल की हमारे पास फोर साइड्स आ गई यही हमने थ्योरम में देखा था कि हमारे पास फोर साइड्स आ गई हैं अब हमने वहाँ पे प्रूव क्या किया है किसकी प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ को हमने प्रूव किया है कि अगर हमारे पास ये जो रेशो है और ये जो साइड्स की रेशियो है वो आपस में क्या होती हैं इक्वल होती हैं होती हैं प्रोपोर्शनल तो इस चीज को हम यहाँ पे अभी प्रूव करते हुए आए हैं अब उसी रिजल्ट को देखते हुए हम कुछ और रिजल्ट पे यहाँ पे करेंगे बात और जो जिन पे पे हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो आगे भी हमारे लिए होंगे यूजफुल तो उनमें से पहला रिजल्ट ये है लास्ट थेरम के अकॉर्डिंगली हमने थेरम में क्या प्रूव किया था उसको थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं मैंशन रिकॉल करने के लिए प्रूव हम ये करके आए हैं मैयर ए डी रेशो मैयर डी बी इक्वल्स टू मैयर ए ई रेशो मैयर ई सी इस चीज़ को हमने अपने थेरा में कर दिया था प्रूफ और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ मैयर ए डी अपॉन मैयर डी बी इक्वल्स टू मैयर ए ई अपान मैयर ई सी और इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टूडेंट हम इसके अलावा ये चीज़ भी नोटिस कर सकते हैं कि अगर मैं इसको उल्टा कर लिखना चाहूँ तो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता मतलब अगर मैं इसका रेसिप्रोकर ले लूँ इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ से नहीं यहाँ से लेंथ को देख रही हूँ और रेशो इस तरीके से ले रही हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इस साइड से डाउन टू अपवर्ड जा रही हूँ तो मुझे इस साइड से भी किया जाना है डाउन टू अपवर्ड सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गए किस तरीके से हमने राइट किया है और हम किस तरीके से इसको लेकर चल सकते हैं ये तो वो थी जो हमने थ्योरम के स्टेटमेंट को किया रिकॉल अब हम जो फर्स्ट जो रिजल्ट पे बात करने जा रहे हैं वो क्या है वो ये है कि अगर हमारे पास इसी तरह से एक ट्राइंगल हो और उसको एक लाइन सेगमेंट से, से कट कर दे तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट जैसे कि हमने देखा कि ये इसके पैरल है इसके इलावा हम एक और चीज नोटिस कर रहे हैं इस बड़े ट्रायंगल के अंदर एक और छोटा हमें ट्रायंगल नजर आ रहा है तो अब हम करने क्या जा रहे हैं हम करने जा रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को इससे रिलेट तो सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे ट्रायंगल्स होते हैं दो ऐसे ट्रायंगल्स को हम सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं अगर उन दोनों ट्रायंगल्स के कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाएं कॉन्ग्रेट अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो हम कहेंगे कि वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उसके अलावा हम देखते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो क्या होती हैं आपस में होती हैं प्रोपोर्शनल आई होप कि वो पॉइंट uh, आपको क्लियर है जब हमने सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस किया था तब भी इस बात को हमने बहुत डिटेल में किया था डिस्कस अब उसी चीज़ को यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करने लगे हैं इस चीज को समझिएगा अगर ये मेरे पास ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को मैं uh, जो कि एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है मैं आपको शो करूँ यहाँ पर एक ट्रायंगल है इस तरीके से ए सी एक ये ट्रायंगल है स्टूडेंट और इसके अंदर जो ट्रायंगल बन रहा था वो मैं इस तरीके से आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी इसके अंदर जो ये ट्रायंगल बन रहा है स्टूडेंट वो क्या है ए ई डी अब इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं जिस तरह की हमने कहा था अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनकी रेशियो क्या होंगी प्रोपोर्शनल होंगी तो उसी चीज को हम लेकर चलेंगे हमने क्या राइट किया है यहाँ पे मेंशन किया है बी डी अपॉन ए बी इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं बी डी अपॉन ए बी पूरी लेंथ ली है इस थ्योरम में हमने क्या किया था इसमें हमने ये इस पार्ट को इस पार्ट के साथ या इस पार्ट को इस पार्ट के साथ बात की थी लेकिन अब हम बात क्या कर रहे हैं हम एक साइड ले रहे हैं और जहां से हमने स्टार्ट किया इनिशियली अगर हम हम से स्टार्ट करेंगे तो हम ये साइड ले लेंगे अगर हम मैं यहां से देखना स्टार्ट कर रही हूँ बी वर्टेक्स से तो, तो, तो मैंने ये साइड लिया इस साइड के बाद ये पूरी साइड ले लिया इनकी ली है रेशो इसी तरीके से अगर मैंने ये पार्ट लिया तो उसके बाद मैंने पूरा लाइन सेगमेंट ले लिया है उनकी लिए है रेशो वो तो तो दोनों क्या होंगे आपस में होंगे प्रोपोर्शनल होंगे आपस में होंगे इक्वल ये किस तरह से किया है मैं वो, वो देखिएगा हमने बात की है यहाँ से और फिर उसको रिलेट कर दिया है पूरी लाइन सेगमेंट के साथ अगर मैं इन दोनों के अकॉर्डिंगली बात करूँ तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं अगर स्टूडेंट देखें ए डी और बी ए की हमें नजर आ रहे हैं इसका मतलब है कि मैं इसको इस तरीके से प्रोड्यूस करती हूँ तो बेसिकली हमें बी मिल जाता है ए डी बी एक ही पे हमें मिल रहे हैं तो हमने क्या किया है हमने लिखा है बी डी बी डी पार्ट लिया है इसका और उसके बाद पूरी लाइन सेगमेंट ले ली है ये वाली और इसको यहाँ पे कर दिया है अप्लाई तो हमने देखा कि इस तरीके से ये पार्ट इस पूरे के हम रेशो में लिख सकते हैं इसका मतलब है एक रिजल्ट आ गया हमारे पास ये और इस रिजल्ट को भी हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं मैं भी आपको समझाती हूँ सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली भी वो भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक रिजल्ट आ गया ये और एक रिजल्ट आ गया ये दोनों में फर्क समझिएगा इसमें हमने इन दोनों को किया है रिलेट और इसमें हमने एक पार्ट लिया है और बाकी ले ली है पूरी लाइन सेगमेंट और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं इस तरह भी इसका मतलब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था बी से यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी ए से मैं ये पार्ट ले लूँ मतलब ले लूँ ए डी इसकी रेशो ले लूँ ए बी के साथ और इसी तरीके से अगर मैं ए ले, ले लूँ और उसकी रेशो ले लूँ ए सी के साथ तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट हमारे पास दो डिफरेंट रिजल्ट आ गए हैं कि हम देखेंगे हमारे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या किसी तरीके के कि जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे होंगे हम देखेंगे स्टूडेंट कि हमें क्या चीज गिवन है और क्या हमने फाइंड करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये यूज करना है हमने ये यूज करना है हमने ये यूज करना है या सिमिलर वाला जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी वो यूज करना है ओके okay. अब देखें अब हमारे पास आ जाता है सेकंड सेकंड में हमने क्या कहा है अगर हमारे पास क्या हो दो रेशोज हम किस तरीके से ले रहे हैं उनको देखिएगा ए डी रेशो ए बी जिसकी हमने यहाँ पे इस वाले की बात की है और वो इक्वल हो ए ई e, रेशो ए सी के इसी चीज को मैं आगे फर्दर कर रही हूँ प्रोसीड इसको हम आगे और आ, किसी और प्रोस्पेक्टिव में लेकर समझने की कोशिश कर रहे हैं ये रेशो अगर मेरे पास फुलफिल हो रही है तो मैं कहूँगी कि जो दो हमारे पास लाइंस पैरेलल थी बेसिकली पैरेलल तो हमने कहना ना कि वो हैं हम अगर ये जो हमारे पास हमने लाइन ड्रॉ की थी जिससे हमारे पास ये हमारे पास पार्ट्स आए हैं चारों ये चारों पार्ट जिस लाइन सेगमेंट की वजह से आए हैं वो लाइन सेगमेंट इसके ऑपोजिट लाइन सेगमेंट के क्या है पैरेलल ये हम कब कह सकते हैं जब हम इस रेशो को कर लें फुलफिल ये रेशो और ये रेशो जो है हमारी ये वाली और ये वाली रेशियो है इनको आपस या मैं कह इसका मैं ले लूं रेसिप्रोकल क्या लिया मतलब ये रेशो ऊपर चली गई और ये रेशो आ गई नीचे इनका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ मतलब पहले मैं पूरी लेंथ ले, ले लूँ फिर मैं ले लू एक पार्ट की लेंथ जिस तरह यहाँ पे मैंने पहले पूरी लेंथ ले ली और क्योंकि मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया हुआ है और फिर मैंने ले लिया एक पार्ट इन दोनों में से और ऑब्वियसली इन दोनों में से मैं वो पार्ट लूंगी जहां से मैंने अपनी स्टार्ट uh, की है इनिशियली वर्टेक्स जिसको लिया है और यहाँ पे वर्टेक्स लिया है ए को तो ए बी के साथ आ गया ए डी लेकिन अगर मैं यहाँ पे बी लूंगी तो ए uh, बी के साथ आ जाएगा बी डी तो इस चीज़ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना इसी चीज़ को बस मैंने यहाँ पर मैंशन किया इसी तरीके से कि हमने क्या ले लिया ए बी ले लिया है और ए बी के साथ क्या ले लिया है डी बी अब देखें स्टूडेंट हम यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे एक तो रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंगली भी अप्लाई कर रहे हैं और एक और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली भी देख रहे हैं कि हम ये पूरी लाइन सेगमेंट ले लें और हमने पहले बात की थी इस लाइन सेगमेंट की तो अब हम इस रिज़ल्ट को एक स्टेप आगे और ले गए हैं कि सिर्फ ये ही नहीं हम ये साइड भी ले सकते हैं इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहस्ता हम देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट कितने आ, हमारे पास केसेस आ सकते हैं एक केस आ गया ये एक केस आ गया ये इस केस के साथ साथ हमने कनेक्ट कर दिया पैरल लाइन वाले को और पैरल लाइन को कनेक्ट करने के बाद हमने फिर बात की है कि हम वर्टेक्स वाली ले रहे थे साइड तो हमने कहा नहीं ज़रूरी नहीं है कि हम वर्टेक्स वाली साइड ही लें हम दूसरी साइड भी यहाँ पे लेकर चल सकते हैं तो वही हमने उसी तरीके से उस चीज़ को लेकर चले हैं और यहाँ पे भी हमने सेम वही बात की है कि ले लिया है ए सी और ए सी के साथ ए ई लेने के बजाय मैंने क्या लिया है ई सी तो तब भी ये दोनों अगर ये बात होगी तब भी पैरेलल होंगी और अगर ये कंडीशन होगी तो तब भी पैरेलल होंगी इट मीन्स फुल लेंथ एंड वन ऑफ द लेंथ बिटवीन दिस एंड दिस तो इन दोनों में से कोई एक लेंथ हो जाए और साथ फुल लेंथ हो जाए इसकी हम सेट कर लें प्रोपोर्शन किस तरीके से ये दोनों रेशो और इन दोनों के साथ तो हमारे पास जो दो लाइन्स हैं वो होंगी पैरल तो ये हमारे पास एक दो तीन ये, ये तो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड ही हैं सेम कॉन्सेप्ट ही है बस उसको थोड़ा सा हमने समझा है कि किस तरीके से लेकर चल रहे हैं तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट हो गया ये वाला हो गया इसके साथ हमने बस इसमें क्या ऐड कर दिया है इसमें ऐड कर दिया है पैरल लाइन्स को इन कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से लेकर चलना है आगे जैसे कि मैंने कहा था कि अब हम बात कर ही रहे हैं तो हम सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली अगर मैं इनको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी तो वो भी मैंशन कर देते हैं ताकि हमारे पास वन टू और ये तो इससे रिलेट कर रहा है सिर्फ उसके अकॉर्डिंगली पैरल लाइन्स के लेकिन फिर भी मैं इसको कह देती हूँ थ्री और फोर अब मैं सिमिलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे राइट करने लगी हूँ रेशोज को और उनकी देखेंगे उनको प्रोपोर्शन को करेंगे सेट हमारे पास चार केसेस आ जा जा जाएंगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर हम देखेंगे कि हमें कौन सा केस आसानी से हम अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में ऑब्वियसली आने वाले फर्दर लेक्चर्स में हम और रिजल्ट्स को भी डिस्कस करेंगे अब स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे क्या राइट कर सकती हूँ इसके अकॉर्डिंगली मैं ये राइट करूँगी कि मेरे पास ये जो है लाइन सेगमेंट ए डी है ये ले लूँ और साथ में ले लूँ अब यहाँ से आ गई ए डी इसके कॉरिस्पॉन्डिंग क्या है ए बी तो मैयर अब आप देखिएगा ये किस बेसिकली मिलेगी किसके साथ ये मुख्तलिफ नहीं है इसको अभी डिस्कस संभाल कर भी चुके हैं सो दिस इज ए डी ए डी अपॉन ए बी कॉन्ग्रेंट टू एन ए सी अब देखिए स्टूडेंट क्या हमने ये रिज़ल्ट अभी कहीं पढ़ा है यस yes, अभी हमने यहाँ पर इसके बारे में बात की है इसका मतलब ये है कि मैं इसको अगर इसके साथ कनेक्ट कर दूँ तो मुझे इसको सेपरेटली मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है अब होता क्या है स्टूडेंट इस चीज़ को किसी और कॉन्सेप्ट के थ्रू लेकर चलते हैं हम यहाँ पे कर देते हैं स्टार इस तरह से मार्क और सिमिलर ड्राइंग वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यहाँ पर पता नहीं अप्लाई हो पाता है या नहीं तो ये सिर्फ ये वाली चीज़ उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए थी कि हम ये चीज जो यहाँ पे हमने राइट की है ये हमने यूज किया है सिमिलर ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट को कि सिमिलर में क्या होता है हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की होती है रेशियो प्रोपोर्शनल ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है तो हम ये वाली साइड यूज करके भी लिख सकते हैं तो अगर मैं एक स्टेप इसमें ऐड करना चाहूँ तो वो सिर्फ ये और ये होगा जो कि मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ मैंशन कि ये और ये तो मैंने यहाँ पे आपको बताया ही है तो क्योंकि हम इसको यहाँ पे राइट कर रहे हैं तो हम एक साइड और ऐड कर देंगे जो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड है हमारे पास वो स्टूडेंट क्या है अगर मैं लिखती हूँ ई डी तो वो होगा सी बी के अकॉर्डिंगली सेम तो हम ये रेशोज यहाँ से पे सेट कर सकते हैं इन दोनों की कर लें 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 ले, ले, या इन दोनों की आपस में कर लें आई होप कि ये जो रिज़ल्ट हैं वो आपको क्लियर हैं और आगे आप इन शनसेप्ट को और इन रिजल्ट्स को अप्लाई करना भी सीखेंगे अब अब देखें यहाँ पे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम करते हैं डिस्कस और फिर आज के इस लेक्चर को करते हैं एंड तो वो तीन पॉइंट्स क्या हैं स्टूडेंट वो उनमें से एक पॉइंट है टू पॉइंट डिटरमिन अलाइन अच्छा यहाँ पे हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो बेसिक्स हैं उन चीज़ को साथ साथ दोबारा याद दहानी ज़रूर करते हैं ताकि हम उस चीज़ को समझ सकें इसका क्या मतलब है टू पॉइंट डिटर्मिन अ लाइन इसका मतलब यह है कि लाइन बताने के लिए हमें कितने पॉइंट होना जरूरी है टू अगर मेरे पास एक पॉइंट होगा मैं कह दूं ये मेरे पास पॉइंट है तो मुझे बताएं ये कौन सी लाइन है या मैं इसको कैसे लाइन बना सकती हूँ इट इज इम्पॉसिबल लाइन ये एक आ गया पॉइंट अगर मुझे लाइन चाहिए लाइन के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए स्टूडेंट मुझे चाहिए टू पॉइंट्स तो यही बेसिकली यहाँ पे उन्होंने इस बात को किया है एलेबोरेट एक चीज की है लाइन के बारे में और दूसरी बात की है उन्होंने प्लेन के बारे में जिस तरह लाइन के लिए टू पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं इसी तरीके से हमारे पास प्लेन के लिए थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं अब देखें यहाँ पे नॉन कोलिनियर की बात नहीं की क्यों नहीं की क्योंकि अगर देखें इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देती हूँ और दो पॉइंट्स में ले लेती हूँ ऐसे तो ये लाइन के ऊपर ही हैं अब ये क्योंकि इसके ऊपर ही है तो ये कोलिनियर है कोलिनियर है फिर भी ये क्या बना रहे हैं एक लाइन बना रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम जब लाइन की बात करेंगे तो हम नॉन कोलिनियर कॉन्सेप्ट को इतना फोकस नहीं करते या नहीं करते कि वो नॉन कोलिनियर होंगे तो ही एक लाइन हमारे पास कंस्ट्रक्ट होगी जिस तरह की लाइन है इसको हम दोनों साइड पे कर सकते हैं एक्सटेंड इस साइड पे भी और इस साइड पे भी सम हाउस को करते हैं जल्दी से कंक्लूड लाइन के लिए हमें रिक्वायर्ड है टू पॉइंट्स और प्लेन के लिए हमें रिक्वायर्ड है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ये है एक पॉइंट हो गया ये हमारे पास हो गया दूसरा पॉइंट इस चीज को आप पॉइंट्स में याद रखेंगे तो कभी भी भूलेगा नहीं ये ही था हमारे फर्स्ट जो हमारा नोट था उसमें हमने इसी दो बातों के बारे में सीखा है उसके बाद चलते हैं दूसरे exactly मतलब है की तरफ अलाइन सेगमेंट हैज वन इसका क्या मतलब है कि ऐसे हम नहीं कह सकते कि अगर ये लाइन सेगमेंट है, मैं से कर दूं, P है या और ये क्या है क्यू मैं कह दू के पी क्यू का आर बिलकुल किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक मिड पॉइंट हो सकता है और हमें पता है शो करता है 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 कि उस पॉइंट पॉइंट से दोनों एंड तक जो डिस्टेंस वो क्या सेम है? है। तो ये चीज ये प्रॉपर्टी शो करने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है जो किसी भी लाइन सेगमेंट का हो सकता है और उससे हम क्या कहते हैं मिड पॉइंट ओके वी हैव डन विद द सेकंड वन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड इफ टू इंटरसेक्शन लाइंस फॉर्म इक्वल एडजस्टेंट एंगल्स हम यहाँ पे किस चीज़ की तरफ जा रहे हैं आप स्टेटमेंट पूरी करेंगे तो आपको समझ आ जा जाएगी कि अगर हमारे पास ऐसे आ जाए इंटरसेक्शन आ जाए टू लाइंस की जो कि हमारे पास क्या बनाए फॉर्म इक्वल एडजस्ट एंगल्स एडजेंट एंगल्स स्टूडेंट्स कहते हैं जो साथ साथ हों बिल्कुल साथ साथ एंगल्स जो होंगे उन्हें हम कहते हैं एक के साथ दूसरा हो तो हम उससे कहते हैं दोनों एंगल्स क्या हैं आपस में एडजेसेंट हैं द लाइन्स आर परपेंडिकुलर मतलब कहा यह गया है इस चीज को अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करके समझना चाहें अगर क्या बात की इफ टू इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग एक मैंने ड्रॉ कर दी एक मैंने कर दी ये अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे ये आ गए इनकी इंटरसेक्शन आ गई अगर इनकी इस तरह से हमें इंटरसेक्शन आई है फॉर्म इक्वल एडजस्टेंट एंगल्स और वो बनाते हैं

अब दो लाइन आपस में करिए इंटरसेक्ट अब ये देखें अब ये जो एक लाइन आप ले रहे हैं जो आप बेस लाइन जिसको कहेंगे हमें पता है ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल क्या बनाती है वन एटी डिग्री तो अगर मैं वन एटी डिग्री को डिवाइड कर रही हूँ टू सेम एंगल्स में तो वो सिर्फ़ और पॉसिबिलिटी है मेरे पास नाइन्टी की सिर्फ और सिर्फ नाइन्टी एंगल हो तभी ये पॉसिबल है कि दोनों एंगल्स इक्वल भी हों और वो स्ट्रेट एंगल्स वो बेसिकली उनको ऐड करने से हमारे पास क्या है स्ट्रेट एंगल आए तो सिर्फ ये कंडीशन आती है 90 के लिए तो अगर ये कंडीशन सिर्फ आती ही नाइन्टी के लिए है है तो हमें पता है जैसे ही किसी भी लाइन में अगर हम कहते हैं कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो क्या होती है वो लाइन सेगमेंट दूसरी लाइन सेगमेंट पे क्या होती है परपेंडिकुलर होती है इसी लिहाज से अगर मैं इसे कह दूल इसे कह दूम ये आ जाएगा पी और ये आ जाएगा आर इट मींस पी आर perpendicular over Lm. तो हम परपेंडिकुलर को शो करने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि हमने देखा एडजेस्ट एंगल्स हों इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे बात करें दोनों एडजेस्ट एंगल्स क्या हो? इक्वल हों इंटरसेक्शन भी हो रही है और भी हो और हमारे एडजेस्टेंट एंगल्स भी इक्वल हों तो हमेशा याद रखें कि वो दोनों आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे का और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि बन रहा होगा नाइनटी डिग्री एंगल तो ये हमने रिजल्ट आज कुछ डिस्कस किए हैं ये हमारे पास क्रॉलरी थी जिसको हम लेकर चले थे इनिशियली और आगे फर्दर हमने अपनी डिस्कशन की ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि आपके पास कुछ रिजल्ट्स बन जाएं जिनको आप आगे कर सकें अप्लाई रेशोज एंड प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली आई होप कि ये आपको सब क्लियर हो चुका है हमने जो आज रिजल्ट कोड किया है डिस्कस वो रिजल्ट्स भी बहुत हमारे लिए यूजफुल होंगे आने वाली एक्सरसाइजेज में और वो रिजल्ट हम देखेंगे किस तरीके से हम अब डिफरेंट सिचुएशन में कौन सा रिजल्ट यूज़ करने जा रहे हैं ये भी हम खुद करेंगे चूज उसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी किए हैं डिस्कस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव में इनमें से कोई ना कोई स्टेटमेंट को पूछा जा सकता है सी ऑन द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज़